बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र में ऑक्सीजन सप्लाई के नोजल में खराबी आने से हड़कंप मच गया। नोजल फटने, ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर बनाई। ऑक्सीजन ना मिलने से एसएनसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू में सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे यहां भर्ती करीब 10 बच्चों को जिला अस्पताल के एसएनसीयू में शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों के हालात विषम बने हुए हैं। ऐसे में बीएमसी परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट में लगे सिलेंडर के सप्लाई केंद्र की नोजल से धुआं निकलने के कारण बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सप्लाई ठप हो गई। ऑक्सीजन नली में ना जाकर बाहर निकल रही थी, जिस कारण बीएमसी के दूसरे विभागों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हुई। बीएमसी में ही कोरोना के मरीजों को भर्ती किया गया है, जिनके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। बीएमसी प्रबंधन को जैसे ही पता चला कि ऑक्सीजन अचानक सप्लाई प्रभावित हो गई है, तो यहां कई अधिकारी तुरंत पहुंच गए और बीएमसी के डीन ने इसकी जानकारी ली। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने के कारण यहां भर्ती बच्चे को तुरंत बीएमसी से जिला अस्पताल में शिफ्ट कराने की कार्रवाई भी की गई। बीएमसी प्रबंधन ने एम्बुलेंस लाकर बीएमसी के पीआईसीयू में भर्ती करीब 10 बच्चों को एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल में शिफ्ट किया है। सूत्रों का कहना है कि बीएमसी में बुधवार को कोरोना वार्ड में 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन फिलहाल बीएमसी इसकी जानकारी देने से बच रहा है। बीएमसी के ऑक्सीजन प्लांट में खराबी आने का यह कोई पहला मामला नहीं है। करीब 3 से 4 माह पहले भी ऐसी ही घटना होने के बाद देर रात बीएमसी से बच्चों को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।